हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत कम ऑयल में मुरमुरे का नाश्ता लेकर आई हूँ और साथ में उसके साथ खाने वाली खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी लाई हूँ। तो बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने मुरमुरे लिए हैं और टमाटर लिए हैं। टमाटर मैंने अच्छे से धोकर साफ़ करके लिए हैं। ये लाल लाल गोल गोल टमाटर मैं यूज़ कर रही हूँ। कुछ हरी मिर्च लिए हैं 3-4 और अदरक का टुकड़ा लिया है। यहाँ मेरा पानी जो है वो बॉईल करने मैंने पहले ही रख दिया था। इस पानी में जैसे ही उबाल आ गई तो मैंने इसमें नमक डाल दिया। इसके बाद ये जो टमाटर मैंने लिए हैं वो इसमें डाल दिए, हरी मिर्च डाल दी और अदरक डाल दी। ये मैं अपनी चटनी की तैयारी कर रही हूँ। चटनी के लिए मुझे ये टमाटर वगैरह बॉईल करने हैं इस तरीके से पानी में, तो मैंने ये उसकी तैयारी के लिए इन्हें बॉईल करने के लिए ढक कर मीडियम सिम गैस पे रख दिया है। और यहाँ पे जब तक मैं मुरमुरे हैं उन्हें मैं पानी डाल के इसे अच्छे से भिगो लेती हूँ, यानी कि पानी में अच्छे से डिप कर लेती हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इतनी देर में हमारी वो चटनी के लिए जो है टमाटर अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। और भी अब मैं चेक करती हूँ, देखिए हमारे पानी में काफ़ी खदका आ गया और टमाटर भी जैसे आप देखेंगे कि इसका छिलका जो है अपने आप ही बिल्कुल उतरने लगेगा, अलग होने लगेगा। हमें तब तक टमाटर को बॉयल करना होता है। एक एक मिनट बाद आप चेक कर सकते हैं और देखिए ये अब टमाटर का छिलका जो है अपने आप ही अलग होने लग गया है, मतलब हमारे टमाटर अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो अब मैं गैस बंद करके टमाटर को, हरी मिर्च को और अदरक को प्लेट में बाहर निकाल लेती हूँ और इनको थोड़ा ठंडा होने दे देती हूँ, इतना ठंडा कि हम इसमें हाथ आसानी से लगा सके। इस पानी को आप फेंकना चाहे फेंक सकते हैं, नहीं तो किसी खाने में यूज़ देना चाहे ले सकते हैं, क्योंकि इसमें टमाटर का थोड़ा तत्व आ जाता है। मिक्सी के जार में मैंने अदरक, हरी मिर्च, लौंग, हींग, जीरा और इसके बाद काला नमक, फिर स्वाद के अनुसार नमक भी इसमें मैं डाल देती हूँ और इन सब को जाके पीस लेती हूँ। सिर्फ ये सब पीसना है, अभी टमाटर हमें नहीं पीसने होते। इसका इस तरीके से मिश्रण बना लिया। अब ये जो टमाटर है मैं क्या करती हूँ, एक अभी साइड रखती हूँ, थोड़ा और ठंडे होने देती हूँ जब तक ये मुरमुरे देख लेती हूँ। मेरे अच्छे से डिप हो चुके हैं तो इसका पानी सारा निकाल लेती हूँ। सारा पानी निकाल के इसे छान के मिक्सी के जार में डालती हूँ और ये मैंने एक छोटा बाउल दही लिया है वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा पानी डालती हूँ और इसको अब मैं पीस लाती हूँ। ये देखिए पीस के इस तरीके से मिश्रण तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं एक कप से भी थोड़ा कम गेहूं का आटा डाल देती हूँ और थोड़ा पानी डाल देती हूँ उसमें। उसके बाद इसे बंद करके अच्छे से चला देती हूँ और देखिए ये इस तरीके का बैटर जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। इस तरीके का बैटर तैयार है। एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लेती हूँ, उसमें ये बैटर को मैं निकाल देती हूँ अच्छे से। अब इसको चलाती हूँ और देखिए ये मेरा परफेक्ट बैटर तैयार है। इसमें अभी मुझे पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं लग रही है, तो अभी मैं इसे ऐसे ही छोड़ूंगी। इसमें मैं बस स्वाद के अनुसार नमक डाल दूंगी, इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और अभी इसे अच्छे से चला देती हूँ ताकि अगर कोई भी लम्स आपको दिख रहा है तो वैसे इसमें लम्स रहेगा ही नहीं क्योंकि हमने मिक्सी के जार में पीसा है, लेकिन फिर भी तो उसको भी अच्छे से चला देती हूँ और इसे अब ढक कर साइड से रख देती हूँ। तब तक अपनी चटनी तैयार कर लेती हूँ कि इतनी देर में मेरे टमाटर जो है बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब ये मैंने छिलके जो है टमाटर के अपने आप ही उतर रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं, तो छिलके तो मैं अलग हटा देती हूँ क्योंकि छिलके अब हमारे यूज़ के नहीं है। और जो अंदर का पार्ट होता है वो मैं एक बाउल में रख लेती हूँ। इसके जो ऊपर की पार्ट होती है उसको भी काट के अलग कर देती हूँ। अब टमाटर को क्या है, मैं हाथों से ही फोड़ती हूँ, मतलब इसको मैश करती हूँ। मुझे अब पीसना नहीं है ना कुछ करना है, बस हाथों से ही इनको मैश करना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चटनी बन के आती है और ये दोनों ही चीज़ बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो आपको कभी भी कुछ खाने का मन है और घर में ग्रीन चटनी भी नहीं है तो आप इस चटनी को और नाश्ते को बना के खा सकते हैं, जो कि बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने अपने सारे टमाटर जो हैं अच्छे से मैश कर लिए। अब इसमें ये जो मैंने हरी मिर्च, अदरक और बाकी सारी सामग्री का पेस्ट बनाया था वो इसमें मैंने डाल दिया। इसको मैं खूब अच्छे से चलाती रहती हूँ इसे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसके बाद इसमें मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देती हूँ। अब मैं इसमें, ये मैंने पिसी हुई शक्कर लिया है, हम थोड़ी खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं और पिसी हुई शक्कर आपकी ऑप्शनल होती है। अगर आपको थोड़ी तीखी ही पसंद है, आपको मीठा बिल्कुल नहीं पसंद, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर डालना चाहें डाल सकते हैं। और धनिया पत्ती भी अगर आपके पास हो तभी आप डालें। और इसे मिक्स करने के बाद मेरी चटनी तो तैयार हो चुकी है। अब हम मैं नाश्ता बनाऊंगी। जो मेरा बैटर है वो भी अच्छे से सेट हो गया है, पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
तो मेरा सेट है। इसमें बस लास्ट में मैं डाल देती हूँ थोड़ा बेकिंग सोडा, एक पिंच बेकिंग सोडा डाल के इसे मैं खूब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये बिल्कुल बैटर तैयार है, मैं नाश्ता बनाना शुरू करती हूँ अपना। तो एक तवा गैस पे रख देती हूँ मैं और इसमें हल्की सी पानी की छींटे डालती हूँ। पानी की छींटे डालने के बाद इसे हल्का पोंछ लेती हूँ ताकि थोड़ी पानी की छींटे से क्या होता है, हल्का चिकनापन आ जाती है, क्योंकि हमने पानी में जो है हल्का सा ऑयल डाला था, जैसे कि हम डोसे पे डालते हैं उस तरीके से पानी हमने बना के डाला था। ये आपका ऑप्शनल भी रहता है। और इसे डोसे की तरह ही इसको मैं मुरमुरे के इसको बैटर को फैलाती जाऊँगी। थोड़ा सा दो जैसे स्पून मैंने बैटर तवे पर डाली और उसको गोल गोल डोसे की तरह फैलाया। इसको आप चाहे तो मुरमुरे का डोसा भी नाम दे सकते हैं। और ये देखिए इसे सिकने देती हूँ। देखिए हमें ऑयल भी बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप चाहे लगाना चाहते हैं तो हल्का सा बस एक आधा स्पून ऑयल लगा सकते हैं। और कितनी क्रिस्पी डोसा जो है नाश्ता हमारा बनके तैयार है। इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया, इसको मैं चटनी के साथ सर्व करती हूँ। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी, तो बस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।